We love to travel, show the world how beautiful Pakistan is. Welcome to part 3, Haripa to Islamabad. This is Navid Ahmed. हम जिस मकाम पर मौजूद हैं इसको कहते हैं, इस गांव का नाम है मुजैथा और इधर एक वाटर पंप है। हमने सोचा यहां पर हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, पानी वानी पीते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होकर फिर हम अपने सफ़र का आगे खास करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत पानी है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपका कभी हाजिए वाले रोड पर, बोदले वाले रोड पर अगर आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर इस जगह का विज़िट कीजिएगा। बहुत ताज़ा, ठंडा और साफ़ पानी है। मैंने और वाजिद ने थोड़ी देर यहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद जो हमारी थकावट थी उसमें थोड़ी सी कमी आई और यहाँ पर हमने पानी पिया, मुँह हाथ धोया। मुँह हाथ धोने के बाद हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ आगे की तरफ करेंगे और जो आगे वाला सफ़र है वो अनत ही खूबसूरत सफ़र है। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत दरख्त, ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए हैं, उनके दरमियान से मैं और मेरा राइडर बस जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। हम जिस सफ़र पर निकले, इस सफ़र का जो बेसिक पॉइंट वो ये पॉइंट है कि हमने पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया को दिखाना है, हमने पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सपोज करना है और दुनिया के कोने कोने तक इस पाकिस्तान की खूबसूरती को पहुंचाना है। और ये जो हमारा सफ़र है, ये सफ़र हमारा हरिपुर से स्टार्ट हुआ था। हरिपुर से हवेलियाँ, हवेलियाँ से हाजिया गली, हाजिया गली से होते हुए हम जाएँगे जी नाड़ा सतोड़ा और फिर वहाँ से हम जो हमारा एंड पॉइंट है वो इस्लामाबाद है। ये रोड के ऊपर मोड़ है, इन मोड़ों में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो करें। आगे से गाड़ी आ रही है, स्लो करना, थोड़ा सा स्लो करना। ओ बच गए यार, थोड़ा स्लो करो। हम जितना जितना ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे वाले पहाड़ियाँ वो बिल्कुल छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं। हम जहाँ जहाँ ऊपर जा रहे हैं पीछे पर जो पहाड़ हैं नीचे वाले बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत सफ़र है जी हमारा ये। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हमारा जो एंड होगा वो खूबसूरत एंड होगा और आप लोग भी ये वीडियो एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल रही है जो कि हवेलियाँ से सीधी ऊपर की तरफ हाजिया, फिर हाजिया करीब से बोदला, फिर वो सतोड़ा की तरफ जा रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर चल रही है। इन पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान से जाने का एक अपना ही सुकून है, एक अपना ही मज़ा है और एक अपना ही लेवल है। परिंदों की आवाज़ें और ये चलते छोटे छोटे से जानवर, अमेजिंग जी अमेजिंग। बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों को जब भी चक्कर लगे आप इस इलाके का विज़िट ज़रूर कीजिए। ये जो व्यू आपका नज़र आ रहा है, ये व्यू हवेलियाँ सिटी और उसके साथ जो छोटे छोटे गांव हैं उनका ये व्यू। अब हम हाजिया गली जो गांव है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हम चंद ही मिनटों बाद हाजिया गली गांव में इंटर हो जाएंगे।
मैं और मेरा राइडर मलिक साहब हम थक चुके हैं जी बिल्कुल, और अब हम चंद ही मिनटों बाद आजिया गली में इंटर हो जाएंगे। और देखें कितना खूबसूरत व्यू, आउटस्टैंडिंग व्यू है यार, अमेजिंग, सुकून आ जाता है जिम करें देख के। और चंद ही मिनटों बाद जी हम आजिया गली के अंदर मौजूद होंगे और थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद फिर हम अपने सफ़र का आगे आगाज करेंगे। वेलकम टू आजिया गली विलेज, खूबसूरत व्यू जी आजिया गली विलेज का। और अब हम मौजूद हैं जी आजिया गली विलेज के अंदर। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है पहाड़ियों का, पहाड़ियों के दरमियान में ये खूबसूरत आबादी। ये इसको कहते हैं जी आजिया गली गांव। ये हवेलियाँ से 10 से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर है और एबटाबाद से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर ये गांव मौजूद है। खूबसूरत व्यू है जी, सामने देखें पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के दरमियान में आबादी, वाव अमेजिंग। हमने थोड़ी देर आजिया गली गांव में स्टे किया, उधर खाना शाना खाया, फ्रेश हुए और फिर हम अपने सफ़र को निकल पड़े। और अब हम जिस मकाम पर मौजूद हैं इसको कहते हैं आजिया गली, और ये जो रोड है इस रोड को कहते हैं बोदला रोड। ये जो सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन पहाड़ियों के बिल्कुल हमने बैक साइड पर जाना है। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के बिल्कुल बैक साइड पर हमने जाना है। हमने अपना रूट चेंज किया, हमने पहले जाना था बोदला से जबरी फिर सतोड़ा, हमने अपना रूट चेंज करके हमने पहले जाना है नाड़े, फिर जाना है सजीकोट, सजीकोट से होते हुए फिर हम जाएंगे सतोड़ा। ये जो सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए हमने बैक साइड पर जाना है। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है ये पहाड़ियाँ, माशाल्लाह खूबसूरत जी, मज़ा आ गया। और अब हम जा रहे हैं जी बोदला रोड के ऊपर, और कुछ ही लम्हात में इंशाल्लाह हम ये क्रॉस करके इन पहाड़ियों के ऊपर से हम होते हुए बैक साइड पर निकल जाएंगे अपनी मंजिल की जानिब।